हाय स्टूडेंट्स, आई एम अर्जुन सिंह, लेक्चरर लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसर टोड मुजफ्फरनगर। टुडे वी शैल टॉक अबाउट द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे रिटन बाय आर के नारायण। बिफोर स्टडिंग दिस स्टोरी वी हैव टू गो बिहाइंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। The main character of the story is the astrologer who is not professionally an astrologer, but circumstances makes him to be an astrologer. जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये क्या हकीकत में एक ज्योतिषी है भी या नहीं है। इसके एक ज्योतिषी बनने से पहले इसकी एक बैकग्राउंड है जो इसको ज्योतिषी बनने पर मजबूर कर देती है। इसी के ही गांव का एक शख्स है जिसका नाम है इसमें गुरु नायक। तो ये किसी बात के ऊपर उससे थोड़ी बहस हो जाती है और वो उसको जान से मारने के उद्देश्य से ही उसके ऊपर प्रहार करता है एक चाकू से। वो उसको लगभग ये सोचकर कि ये मर गया है उसको वहीं छोड़कर और उसको एक कुएं में धक्का दे करके और वो वहाँ से चला जाता है। अब उसको ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पकड़ा जाए, इसलिए वो अपने गांव से ही भाग जाता है। वो गांव से भाग करके अब वो अपना एक नया प्रोफेशन चुनता है, एक एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिषी का। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वो पेशे से कोई ज्योतिषी नहीं है, ना ही उसको कोई इतना बड़ा ज्ञान है। अब यहाँ से इस ज्योतिषी की स्टोरी शुरू होती है। अब इस स्टोरी में हमें ये देखना है इसमें कि अब इसको मारने के बाद में वो किस तरीके से वो बचता है। अब दो ही प्रश्न आते हैं कि क्या किसी का खून करने के बाद, किसी को मारने के बाद में वो हत्यारा बच जाता है या नहीं बचता। आपको भी ये लगता होगा कि पता नहीं वो बचा या पकड़ा गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये पकड़ा नहीं जाता लास्ट तक भी। शुरू कहाँ से होती है स्टोरी अभी ये, तो इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। द एस्ट्रोलॉजर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। द प्रेजेंट स्टोरी इज अबाउट एन एस्ट्रोलॉजर। इट सिट्स अंडर अ टमेरिन ट्री। द प्लेस वेयर ही सिट्स इज वेरी बिजी। ही हैज अ डजन कॉरी शेल्स। दीज आर द आर्टिकल्स विच ही हैज विद हिम। ही डजन कॉरी शेल्स अ स्क्वायर ऑफ विद अ ऑब्स्कोर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, अ नोटबुक, अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग्स। दीज आर पामायरा राइटिंग्स विच इज नोन एज द बंडल्स विच आर रिटन इन तमिल और अदर लैंग्वेजेस। ओनली अ प्रोफेशनल पर्सन कैन रीड इट एंड टेल अबाउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। दीज थिंग्स शोज हिम दैट ही इज एन एस्ट्रोलॉजर। ही नेक्स्ट वन पॉइंट इज हिज क्लाइंट्स फाउंड अ प्रोफेटिक लाइट इन हिज आईज। इट मीन्स वेन सम क्लाइंट्स कम बिफोर हिम एंड आस्क अबाउट देयर लाइव्स, ही टेल्स देम अबाउट देयर लाइव्स एंड सेटिस्फाइज देम। अब आप ये सोचते होंगे कि वो किस तरीके से उनको सेटिस्फाई कर देता है वो।
जबकि वो एक हकीकत में ज्योतिषी है भी नहीं। तो ही स्टडीड द सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मैंस लाइफ एंड ही गेट्स सक्सेस टू नो अबाउट द मैंस कॉमन सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। इस तरीके से वो जब जीवन के बारे में बहुत से लोगों की स्टडी करता है, उनको पढ़ता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो ऐसी बहुत सारी कॉमन सी बातें मिल जाती हैं जो इंसान को समझने में, बहुत सारी ऐसी सामान्य बातें होती है वो उनके बारे में बताता है, उनको संतुष्ट कर देता है। नेक्स्ट, ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन फ्रॉम हिज क्लाइंट्स। व्हेन वन क्लाइंट आस्क वन क्वेश्चन, ही हैज टू पे 1 पाई। इफ ही वांट टू आस्क 2 क्वेश्चंस, ही हैज टू पे 6 पाइस। इन दिस वे जितने भी वो क्वेश्चन पूछना चाहता है उसको 3 पाइस के हिसाब से उसको पे करना होता है। अब इसमें एक नया बदलाव आता है इसमें, जिसको हम कहते हैं कि क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। एक दिन जिस व्यक्ति के ऊपर प्रहार किया था वही व्यक्ति शाम के टाइम में उसके पास आ जाता है। अब शाम का समय था, लाइट बहुत कम थी, उसी कम लाइट में होने की वजह से वो उस ज्योतिषी का चेहरा नहीं पहचान पाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे किया उसको पूछने के लिए, तो उसको उसने पहचान लिया, देख लिया। जैसे ही उसने अपना सिगार जलाया तो जैसे ही वो मैच लाइट में उसका चेहरा दिखाई दिया तो वो डर गया, वहाँ से भागने लगा। लेकिन उसको देख करके कि ये भागने लग रहा है, उसने उसकी कलाई पकड़ ली। अब जरा सोच करके देखिए कि जिसकी तलाश वो मारने के लिए कर रहा हो, बदला लेने के लिए कर रहा हो, और वो व्यक्ति उसके सामने आ जाए, लेकिन उस भागने वाले उस एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं है कि इसने तुझे पहचाना या नहीं, लेकिन ऐसी फीलिंग्स उसके मन में आ गई कि इसने तुझे पहचान लिया। तो जैसे ही उसने उसकी कलाई पकड़ी, उसने तो इसलिए पकड़ी थी कि वो उससे कुछ अपने प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन उसने कुछ और फीलिंग्स अपने अंदर पैदा कर ली। जैसे ही वो भागने लगा तो वो फिर भी उसको वही बात कहता है जैसे कि इसमें आया भी है कि ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन फ्रॉम हिज क्लाइंट्स। तो वो बताता भी है उसको, लेकिन वो आदमी इतना उत्सुक है जानने के लिए अपने बारे में कि वो उसको मुट्ठी भर पैसे निकालता है और सिक्के निकालता है और उसके सामने वो डाल देता है कि जितने लेने हैं इसमें से ले लो, लेकिन मेरे बारे में बताओ। इस समय अब बात आती है इसमें, अब ये व्यक्ति है कौन? तो दिस इज द मैन अबाउट विच वी टॉक इन द बिगनिंग। तो जैसे ही ये पूछता है अपने बारे में तो ये इसको बताने लगता है। ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर कभी किसी ने प्रहार किया था। अब ये बहुत उत्साहित हो जाता है क्योंकि इसके साथ में ये घटना घटी हुई है। वो तुरंत अपने बटन खोल करके और छाती के ऊपर जो उसके निशान बने हुए हैं चाकू के वो दिखाता है, और ज़्यादा उत्साहित होता है, कहता है कि और बताओ। तो तब उसका नाम लेकर के जैसे ही बुलाता है कि गुरु नायक, तो अपने नाम को सुन करके वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और पूछता है वो कि तुम्हें मेरा नाम का भी पता है क्या? ज्योतिषी उसको कहता है, क्योंकि वो तो जानता ही है उसका नाम अच्छी तरीके से, भले ही गुरु नायक उसको ना पहचान पाया हो, लेकिन उसने गुरु नायक को अच्छी तरीके से पहचान लिया।
और इस तरीके से वो उसको कहता है कि तुम्हारे ऊपर इस तरीके से प्रहार किया गया था, तुम्हें मरने के लिए किसी कुएं में तुम्हें धकेल दिया गया था और तुम बच गए। वो कहता है कि बिल्कुल सही है ये। फिर वो ये चाहता है कि वो उसका कैसे पता लगाए कि वो कहाँ है। वो कहता है कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। स्टोरी में और आगे बात बढ़ती है, उत्साह उसका बिल्कुल शिखर पर है। वो चाहता है कि उसके हत्यारे का उसको पता चल जाए, लेकिन वो जैसे ही पूछता है कि वो मिलेगा कहाँ मुझे, तो उसने उसको बताया कि वो तो किसी लॉरी के नीचे आकर के, जिसको माल वाहन बोलते हैं, उसके नीचे आकर के वो तो मारा जा चुका, उसका एक्सीडेंट हो गया और तुम इस जन्म में कभी उसको नहीं मिल पाओगे। इस तरीके से वो फिर उसको सलाह देता है कि तुम उसकी जो खोजबीन है वो उसको छोड़ दो। और फिर उसके बाद में वो कहता है कि मुझे क्या करना है अब। वो कहता है उसको, बस तेरी भलाई इसी में ही है कि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ कभी यात्रा मत करना, कभी मत आना, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब उसने उसको बता तो दिया, वो आदमी वहाँ से चला भी गया। उसको बड़ी अंदर से खुशी भी महसूस हुई कि मैं मौत के मुंह से बच गया, वरना ये आज ना छोड़ता। ये आधी रात हो जाती है, इसी ज्योतिषी की जो पत्नी है वो घर पर उसका वेट करती हुई होती है और दरवाजे पर खड़ी रहती है। जैसे ही वो पहुंचता है तो उससे पूछती है कि इतनी देर होने का कारण क्या है। उसने उसको पहले कहा कि मैं भूख लगी है मुझे, उसने खाना खाया बैठ करके। खाना खाने के बाद में फिर उसने जैसे ही पूछा उससे, तो उसने जितने भी उसके पास में वो सिक्के थे वो उसके सामने डाल दिए। बाद में वो सारी की सारी घटना बता देता है। घटना बताने के बाद में उसको भी बड़ा आश्चर्य होता है और सबसे बड़ा जो एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है वो इस एस्ट्रोलॉजर को मिलता है। वो एक तरीके से जो जीवन का उसके डर था, भय था, जो 24 घंटे लगा रहता था कि तूने किसी की हत्या करने की कोशिश करी है और वो भी तुझे नहीं छोड़ेगा और तेरी तलाश में घूम रहा है वो, तो इस तरीके से अब जिसको कह देते हैं कि बिल्कुल चैन की नींद, पैर फैला करके सोना, वो अब इस ज्योतिषी के लिए था। तो ऐसी आशा है, उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट।